sponsored by राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जदयू के अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए धमाके से उनके समर्थक और विरोधी दोनों आश्चर्यचकित हैं। रविवार को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला किया कि आने वाले दिनों में जदयू झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट पहले से ही थी, पर अन्य तीन राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चौंकाने वाला है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट हैं, फलस्वरूप प्रदेश में एनडीए को लोकसभा चुनाव में बंपर जीत मिली। हम अपनी पार्टी का देश के दूसरे राज्यों में विस्तार करने पर भी काम करते रहेंगे। प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी बैठक में उपस्थित थे, पर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उधर नीतीश कुमार ने पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और ममता बैनर्जी की मुलाकात पर कहा कि उनके अन्य दलों के लिए काम करने से मीडिया में भ्रम की स्थिति बन रही है, ऐसे में वह स्वयं इस पर सफाई दे। उनके कार्यों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्हें पार्टी से जो जिम्मेवारी मिली है उसे वह अपने ढंग से पूरा कर रहे हैं।